आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी, वो भी अलग तरीके से, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम करेले को पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ कर ली है और मैंने इस तरीके से गोल गोल शेप में काट ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करेले को मैरिनेट करके रखना है ताकि इसके अंदर जो भी कड़वापन है वो निकल जाए। तो इसके लिए हमें एक बाउल में करेले को ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब हम नमक और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, और इन सबको हम करेले में अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट रखते हैं ना, तो इसके अंदर जो भी कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो इसी तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और जो नहीं खाने वाले हैं उसको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि करेले कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगती है इस तरीके से बनाने पे। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका पानी रिलीज हो जाता है, तो इसी माध्यम से इसका कड़वापन निकलता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसके अंदर जो भी पानी है करेले के अंदर हाथों से इस तरीके से निचोड़कर अच्छी तरीके से हमें इसके अंदर का सारा पानी निकाल लेना है। तो इस तरीके से निचोड़ेंगे ना तो देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा इससे पानी रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जितना हो सके इसके अंदर से पानी हमें निकाल लेना है। तो ऐसे ही हमें सारे करेले से निचोड़ते हुए पानी को निकालना है। तब मैं बाद में दिखाऊंगी कि कितना पानी इससे निकलता है, काफ़ी ज़्यादा पानी निकलकर तैयार होता है इससे। तो ये देखिए इतना सारा पानी करेले से निकलकर तैयार हुआ है। तो इसे आप चाहे तो जूस के तरीके से आप यूज करते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों तेल ली है और गैस की फ्लेम ऑन करके इसे गर्म होने देंगे। तो तेल जब गर्म हो जाएगा हमारा, तब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो मसाले में मैंने जीरा, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी ली है, और इन सबको डाल लेंगे और इसे हम गोल्डन कलर आने तक चिटकने देते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 पिंच हींग और इसे भी हम थोड़ी चिटकने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल को थोड़ी फैला देते हैं। तो मसाला हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है, तो ये देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च है जिसको मैंने काट ली है, प्याज को मैंने लंबी लंबी साइज में काट ली है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन भी निकल जाएगा और प्याज हमारा थोड़ी पक भी जाएगी। तो 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, यानी गोल्डन कलर आने तक हमें नहीं पकाना है। तो बस इसी तरीके से हमें चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लेना है। तो प्याज हमारी फ्राई हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें कटा हुआ करेला डालेंगे। तो करेले को हम डाल लेते हैं। तो इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहना। तो इसी तरीके से हम करेले को मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं करेले हमारी पकने लगी है, यानी 25% से ज़्यादा पक गई है। तो अब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो मसाले में मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। फिर इन सबको डालकर चलाते हुए हमें करेले में मिक्स कर लेना है और इसे हम पका लेंगे। तो अब हम इसे ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, हमें बिना ढके ही इसे पकाना है और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होता है कढ़ाई में करेले चिपकने लगती है जो कि खाने का स्वाद को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही, हमें धीमी धीमी आंच पर ही करेले को पकाकर तैयार करना है। तो इसको पकाने के लिए 10 से 15 मिनट लगेगी, लेकिन धीमी धीमी आंच पर जब सब्ज़ी पकती है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पककर तैयार होती है। तो ऐसे ही हम बीच बीच में चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि हमारी सब्ज़ियाँ पक ना जाए। तो चलिए ऐसे ही हमें फैलाते हुए पका लेना है। ये देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी पक गई है। तो इसी तरीके से आप बनाकर तैयार करें और अपने फैमिली के साथ इसे खाएँ। तो ये देखिए।
बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और बिल्कुल भी नहीं जलती है और हल्की हल्की क्रिस्पी बनकर जब तैयार होती है ना ये करेले की सब्ज़ी, तो और भी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो मुझे थोड़ी क्रिस्पी ही पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी क्रिस्पी ही इसे बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।